तो दोस्तों ये बिजनेस चालू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है। तीन चीजों के माध्यम से ये बिजनेस को आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एकदम बेसिक नीड है, जो अपना पानी रहता है, जो अपने घर पे पानी पीते हैं वो पानी अपने को चाहिए, और जो फूड ऑयल होता है तो फूड ऑयल अपने फूड जो ऑयल रहता है वो अपने ले लेंगे, और जो ये प्रीमिक्स रहता है वेफल बनाने का, जो प्रीमिक्स रहता है ये प्रीमिक्स के माध्यम से अपने ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके उसके बाद एक प्रीमिक्स रेडी कर देंगे, उसके बाद उसके अंदर से अपने ये मशीन के माध्यम से वेफल बना के मार्केट में सेल कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कितना मेजरमेंट के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें डालना है, क्या क्या आपको आगे प्रोसेस करना है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इतनी छोटी सी मशीन के माध्यम से आप दिन में ईजिली 5-10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जितना किसी का पूरा महीने का पगार है उतना इनकम आप एक दिन के अंदर कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 10-15 हज़ार लोगों की महीने की तनख्वाह होती है, और ये मशीन ले जाके छोटे से मशीन के माध्यम से आप दिन का 15 हज़ार रुपये का अर्निंग करना चाहो तो कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, आप कैसी लोकेशन पे इस मशीन को लगाते हैं। चलिए तो इस बिना देर के आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देते हैं, पूरा आपको रॉ मटेरियल बना के दिखाते हैं कि कैसे इस मशीन के अंदर से अपने वेफल बनेगा और कैसे रॉ मटेरियल बनेगा, राइट। तो दोस्तों देखिए, रॉ मटेरियल के अंदर मेरे पास दो तरीके की प्रीमिक्स है। एक ये तो है बेल्जियन वेफल जो रेड वेलवेट का रहता है, इस तरीके का ये एक है मेरे पास, और एक जो रेगुलर मार्केट में मिल रहा है इस तरीके का प्रीमिक्स मेरे पास अवेलेबल है। दोनों को ही आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं, जैसे कि अभी आपको डेमो देना है इसीलिए हम थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। बाकी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं देन आपको ये पूरा पाउच रहता है 1 किलो का, ये पाउच और 1 किलो आपको 1 किलो पाउच के अंदर 1 लीटर पानी डालना है और 220 ml इसके अंदर आपको वेजिटेबल ऑयल डालना है, देन उसको मिक्स करके इजीली आपका जो प्रोडक्ट है वो बनने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। चलिए तो अब इसके अंदर अपने आपको डेमो करके दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने इसके अंदर रॉ मटेरियल बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपना जो एक प्रीमिक्स है वो रेडी हो चुका है। अब अपने दूसरा प्रीमिक्स बनाते हैं, ये जो अपना रेगुलर फ्लेवर वाला है वो रेडी हो चुका है। अपना रेड वेलवेट जो स्पेशल रहता है वो अपने बना के दिखाते हैं आपको इस मशीन के अंदर से, और अब इसका पहले प्रीमिक्स रेडी करेंगे अपने। अपने प्रीमिक्स बनके तो रेडी हो चुके हैं, अब इसके अंदर से अपने जो वेफल रहता है वो आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अलग अलग डाई के वेफल है मेरे पास, जैसे कि ये देखिए बटरफ्लाई का है, ये स्टिक टाइप का है, और ये राउंड टाइप का वेफल है। ऐसे अलग अलग मेरे पास 10 तरीके की वैरायटी है अप्रोक्स इसके अंदर, तो आपको 10 तरह के अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइन के वेफल आप बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय आपको प्रॉपर इसकी डिटेल देगा, जैसे कि यहाँ पे अपन इसको ग्रीसिंग करेंगे ऑयल के थ्रू ताकि जो आपका वेफल है वो चिपके नहीं, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से अपने ऑयलिंग कर देना है इसके जो डाई है इसको अच्छे से, ताकि आपका जो वेफल है वो चिपके नहीं और प्रॉपर एक पूरा अच्छा शेप का वेफल आपका निकल के आए, ओके। और एकदम इजी टू यूज़ मशीन है, इजी टू ऑपरेटिंग है, इजीली अपने इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर अपने ने ऑयलिंग वगैरह कर दिया है दोस्तों, इस तरीके से देखिए अपने ने इसका जो प्रीमिक्स है उसको ऐड कर देंगे, और कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। एकदम इजीली ये वेफल बन के तैयार हो जाता है, कोई भी इस बिज़नेस को चालू करके काफ़ी हाई अर्निंग वाला व्यापार कर सकता है और काफ़ी हाई प्रॉफिट वाला ये बिज़नेस है दोस्तों। और अब इसी तरीके से अपने सारे ही जो इसके डाई हैं सबके अंदर अपने प्रॉपरली जो उसका बैटर है वो अंदर इंसर्ट कर देंगे और प्रॉपरली उसको फिर वेफल बनने के लिए स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों जो इसका बटरफ्लाई डाई है उसके अंदर भी अपने देखिए इस तरीके से प्रीमिक्स ऐड कर देंगे। एकदम ईजी प्रोसेस है, कोई भी हार्ड वर्किंग काम नहीं है, कोई भी बंदा इसको ईजीली अपना व्यापार करने के लिए चालू कर सकता है, ईजीली अपने इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। और ये जब स्टिक फ्लेवर का है इसके अंदर भी अपने इसको ऐड कर देंगे।
और ये देख सकते हैं अपने ने प्रॉपर वो पूरा जो रेड फ्लेवर रेड वेलवेट वाला फ्लेवर था वो प्रॉपर ऐड कर दिया है सबके अंदर। अब अपना जो रेगुलर फ्लेवर है वो भी अपने ऐड कर देंगे इसके अंदर। वेफल का प्रीमिक्स अपने इसके अंदर अब अलग अलग डायो के अंदर फिर से जैसे अपने ने रेड ऐड किया है वैसे इसी तरीके से इसको भी अपने ऐड कर देंगे अंदर। वन बाय वन इनको बंद कर देंगे। देखिए काफ़ी इजीली मशीन ऑपरेट हो जाता है। कोई भी लेडीज़ हुआ बच्चा हुआ बुजुर्ग हुआ कोई भी अपने मशीनों को चला के अपने खुद के रोजगार की शुरुआत कर सकता है। अब यहाँ से अपने इनके स्विच ऑन कर देंगे जैसे कि ये देखिए ये इसका पावर स्विच है यहाँ से ऑन कर देंगे और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर भी अपने सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको 200 तक का टेम्परेचर मिलता 300 तक का टेम्परेचर मिलता है तो अपने इसको 200 तक ले जाते हैं। जैसे अपने इसको 200 तक लेके चले गए हैं राइट और अब यहाँ पे भी इसको भी अपने 200 तक ले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने इसका पूरा टाइमर लगा देना है और यहाँ पे देखिए प्रॉपर ये मशीन ऑपरेटर है इसका टाइमर का आप टिक टिक नोटिस कीजिए। अब कुछ ही देर के अंदर ये अपने ने 5 मिनट का टाइमर लगाया है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये जो आपका प्रोडक्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। एकदम इजीली ऑपरेट होता है। अब ये बनता है उसके बाद इसको कैसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं किस तरीके से आप इसका चार्जेस हाई कर सकते हैं वो आपको प्रॉपर जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों 8 मिनट हो चुके हैं और अपना जो वेफल है उसका वो वेफल मशीन बंद हो चुका है और अपना वेफल जो बन के रेडी हो चुका है। अब वन बाय करके आपको सारे वेफल दिखाते हैं कि किस तरीके की उसकी क्वालिटी आई है। जैसे कि ये देखिए जो ये राउंड वेफल है कितना खूबसूरत सा वेफल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए रेड वेलवेट कितना प्यारा लग रहा है। आप देखिए प्रॉपर ये वेफल का पूरा इसका सेफ ले लिया है इसने यहाँ पे। देखिए ये रेड वेलवेट है और ये जो इसका रेगुलर है प्रॉपर ये जो ये ब्राउन हो चुका है। तो दोस्तों अभी अपना जो बटरफ्लाई वाला बटरफ्लाई डिज़ाइन वाला जो वेफल है ये भी देखिए बन के तैयार हो चुका है। ये दो बटरफ्लाई रेड वेलवेट में है और ये जो रेगुलर फ्लेवर वाला है वो है। अब नेक्स्ट वन अपने देखते हैं जैसे कि जो स्टिक डिज़ाइन वाला था ये भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है और कितना ईजीली ये मशीन इतने अच्छे खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी के वेफल बना के दे देता है और मार्केट में आप इसको ईजीली सेल करके काफ़ी हाई अर्निंग कर सकते हैं अपने छोटे से प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं इन मशीनों को खरीद के राइट। देखिए हमारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। इस तरीके ट्रे ले लीजिए उसके अंदर आप वेफल ऐड कर दीजिए। जैसे कि आप पूरा 2 का डिश बनाना चाहते हैं 3 का डिश बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे कि आपने अलग अलग वेफल इस तरीके से निकाल लेने हैं ताकि फिर वेफल जितना ठंडा हो जाएगा उतना फिर वो क्रिस्पी होगा राइट और काफ़ी उसका जो टेस्ट आएगा वो लाजवाब आएगा। अब जैसे कि अपने ने ये वाला जो राउंड वाला है वो निकाल लिया है। अब उसके बाद जो अपना बटरफ्लाई फ्लेवर बटरफ्लाई डिज़ाइन वाला है वो अपने निकालते हैं। ये देखिए और ये अपना डिश बटरफ्लाई वाला भी रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने जो स्टिक डिज़ाइन वाला जो वेफल है वो भी निकाल लेते हैं। ये तीनों डिज़ाइन वाला वेफल अपने ने निकाल लिया है। अब इसको थोड़ी सी देर अपने ठंडा होने रखेंगे। जैसे आप एक छोटा सा फ़ैन ले लीजिए ताकि आपका जो वेफल है तुरंत ऑन द स्पॉट ठंडा हो जाए। अब जैसे कि अपना ये जो वेफल है वो तो बनके तैयार हो चुका है। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर जाता है कि आप इसको किस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से इसको आप क्रिएटिव दिखाते हैं राइट। यानी मशीन तो अपना इतना बेहतरीन क्वालिटी का वेफल आपको बना के दे देगा बट आपके ऊपर जाएगा कि आप किस तरीके के उसको क्रिएटिव बनाते हैं। जैसे कि देखिए इस तरीके से आपने अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग शेप्स में अपने इसको करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अपने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जो अपना वेफल है वो और इजीली बन के तैयार हो जाता है। और क्वालिटी की वाइज करें तो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा बना है दोस्तों ये अपना। अब इसके ऊपर जैसे चॉकलेट लगा दिया अब इसके ऊपर अपने टॉपिंग्स वगैरह ऐड कर देंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद अपने ये नट्स वगैरह ऐड कर देंगे। जैसे कि अपने इसके अंदर नट्स वगैरह ऐड कर दिए। अब आगे दूसरे जो भी चीज़ें हैं अपने ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने जो दूसरे रहते हैं स्प्रिंकल्स वगैरह रेमबो बॉल्स वगैरह ये अपने इसके अंदर अलग अलग ऐड कर देंगे। यानी वो आपके ऊपर जाता है कि आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं। यानी जितनी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे उतना आप हाई मार्जिन इसके ऊपर से अर्न कर सकते हैं राइट। इतना प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है। इस एक स्टिक का आपको कॉस्ट 10 रुपये आएगा और मार्केट में इसको आप इजीली 100 रुपये में चाहें तो सेल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। तो दोस्तों अब इस तरीके से जैसे कि अपने ने वाइट चॉकलेट अपने ऐड कर देंगे। जैसे वो अपने मेन चॉकलेट ऐड किया था उसके बाद अपने ये वाइट चॉकलेट ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए और उनका टेस्ट वाइज भी काफ़ी उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। ठीक है कितना खूबसूरत सा लग रहा है अपना वेफल और इसी तरीके से अपने उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं।
ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है दोस्तों। इस डिश को आप चाहें तो मार्केट में 200 रुपये में बेचेंगे तो भी कोई बंदा इजीली ले लेगा। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे अपने चोको चिप्स डाल रहे हैं। अब वो आपके ऊपर जाता है कि आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं। इसके अंदर आप अलग अलग वेफल होते हैं, जैसे किटकैट वेफल होता है, मिल्क डेरी मिल्क वेफल होता है, इस तरीके का अलग अलग फ्लेवर जो वेफल के नाम होते हैं, राइट, उस तरीके से अपने उसको डेकोर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप उसको कैसे डेकोर करिए। देखिए चोको चिप्स अपने ऐड कर दिया है। तो सर बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से हर किसी को ये लगाना चाहिए। मेरे को तो काफी जगह मैंने देखा ये कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है जी, देखने के लिए मिलता है, मतलब कंपटीशन बहुत कम है इसका। कंपटीशन बिल्कुल कम है, अगर कोई भी बंदा अभी लेता है तो ये बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत हाई है सर। अच्छा। जैसे कि दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, ऐसे साइड जो सिटीज है वहाँ पे थोड़ा कम है। यहाँ पे अपने अहमदाबाद में दो चार जगह लगा हुआ है, यानी आप जितना, जैसे कि कस्टमर जो है जितना जल्दी बाय करेंगे उतना ज्यादा उनको ग्रो होने का चांसेस है। अच्छा, मेन जिसका रॉ मटेरियल है, अगर कोई लेना चाहता है अपने लोकल मार्केट से उनको मिल जाएगा या फिर आपके यहीं से इनको लेना? देखिए अगर उनको लोकल मार्केट से अगर मिलता है तो बेस्ट है, बाकी ये वेफल का जो प्रीमिक्स रहता है कहीं भी मिल जाता है। अगर बाकी हमसे एसएस सोडा मशीन से बाय करना चाहता है तो अपना फ्लेवर का डिपार्टमेंट है, एसएस सोडा मशीन से प्रॉपर बिजनेस का सेटअप करा के देता है। अगर उनको कुछ भी चाहिए रहेगा, ये जैसे कि छोटी सी छोटी चीज रहती है जो वेजिटेबल ऑयल है सर, ये अगर ये वेजिटेबल ऑयल भी चाहिएगा ना तो भी ये भी एसएस सोडा मशीन आप लोगों को प्रोवाइड करा के दे देगा, राइट। तो अगर कोई मशीन लेना चाहता है तो इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है कहाँ से हो जाती है या फिर इसके साइजेस के अकॉर्डिंग मतलब रेट होता है, कस्टमाइजेबल होता है? जैसे कि सर हमारे पास देखिए इसके अंदर अप्रोक्स 10 टाइप के मॉडल्स हैं। लाइक मशीन तो वेफल ही बनाएगा, बस उसके शेप का अलग अलग डिजाइन है, जैसे कि ये स्टिक टाइप का, ये बटरफ्लाई का है, वो राउंड टाइप का है, और ये देखिए सर ये एक पिज्ज़ा टाइप का कह सकते हैं अपने, जो राउंड टाइप का रहता है पूरा। तो वो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लेना चाहते हैं। रेंज अपना नॉमिनल एकदम छोटे से इन्वेस्टमेंट में चालू हो जाएगा सर। अच्छा। जी लोगों की एक महीना की तनख्वाह के अंदर चालू हो जाएगा सर। दोस्तों यदि आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको आना होगा गुजरात के अहमदाबाद में, यहाँ पे इनका आप शोरूम देख सकते हैं, आपको हर मशीनरी का प्रॉपर लाइव डेमो दिखाया जाता है। किसी भी मशीन का, कोई भी फूड से रिलेटेड मशीन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हर तरह की मशीन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के और नए नए आइडियाज हम लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर किसी नेटवर्क के पास अगर कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट में जाना चाहता है बिजनेस को स्टार्ट कर सके। मिलते दोस्तों और इसी तरह के इनोवेशन क्लास में, नए नए आइडियाज क्लास में। जय हिंद, जय भारत।